हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज रंदई। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। स्वागत है एक बार फिर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खेल की कुछ खास खबरों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बताना चाहूँगा, यदि आप ड्रीम 11 की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, यदि यानी जो हम टीम बनाते हैं उसके बारे में यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हैं, तो हमारा स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कुछ खास खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल की। तो फुटबॉल में UEFA यूरो 2020 में कल 3 मैचेस खेले गए। पहला मैच था रशिया और फिनलैंड के बीच, तो रशिया ने फिनलैंड को 1-0 से हराया और रशिया की ओर से जो पहला गोल आया वो 47वें मिनट में आया था। हालांकि जो पिछला मैच था फिनलैंड का डेनमार्क के खिलाफ, वो तो उन्होंने जीत लिया था, पर इस मैच में उन्होंने जीत हासिल नहीं की। जो दूसरा मैच था वो था तुर्की और वेल्स के बीच, तो उस मैच में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। मैच के 40वें मिनट में एरन रामजी ने खूबसूरत क्रॉस को हेडर में कन्वर्ट करते हुए ज़बरदस्त गोल किया और एक गोल वेल्स की ओर से अंतिम क्षणों में आया। इस तरह से वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया है। जो आखिरी मैच था वो था इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच, तो उस मैच में इटली ने स्विट्ज़रलैंड को 2-0 से हराया है। आइए बात करते हैं क्रिकेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन वुमेंस की। तो इंडियन वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के बीच जो एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 269 रन बनाए। उसमें टेमी ब्यूमोंट ने बनाए 66 रन, लॉरेन विनफील्ड ने बनाए 35 रन, हीथर नाइट ने बनाए 95 रन, नेटली स्क्वेयर ने बनाए 42 रन और उसके अलावा एमी जोन्स जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने बनाया 1 रन, जॉर्जी ने बनाए 5 रन और अंत में जो क्रीज पर नाबाद है वो है सोफिया डुंक्लेयर ब्राउन जो 12 रन बनाकर मौजूद है, जिन्होंने 47 गेंदों का सामना किया। उसके अलावा कैटलिन ब्रंट जो अभी खेल रही है 30 गेंदों में 7 रन बनाकर, तो आज ये दोनों अपने खेल को आगे बढ़ाएंगे और देखना यह है कि इंग्लैंड का स्कोर आज कहां तक जाता है और भारत किस तरह की गेंदबाजी करती है आज के इस मैच में। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पहले दिन शायद 350 या 450 का स्कोर हासिल कर लेगा जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। भारत ने अंत में आकर अच्छा कमबैक किया और उन्होंने 6 विकेट पर 269 रन ही बनाने दिए। भारत की ओर से स्नेहा राणा ने 3 विकेट, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट और पूजा वस्त्राकर ने 1 विकेट लिया। आइए बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। तो पाकिस्तान सुपर लीग में कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच मैच खेला गया, तो टॉस जीतकर क्वेटा ने पहले मुल्तान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए, जिसमें जॉनसन चार्ल्स ने 24 गेंदों में 47 रन बनाए और शान मसूद ने 42 गेंदों में बनाए 73 रन। उसके अलावा और ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और क्वेटा की ओर से खुर्रम शहजाद ने 2, जहीर खान, हसन खान और मोहम्मद नवाज को 1-1 विकेट मिला। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की ओर से ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा, 184 रन का पीछा करते हुए क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम ताश की पत्तों की तरह ढह गई। उन्होंने केवल
12.1 ओवर में 73 रन बनाए। मुल्तान की ओर से इमरान ताहिर ने 3 विकेट लिए, इमरान खान ने 2 विकेट लिए, ब्लेसर मुजरबानी ने 1 विकेट, शाहनवाज दानी ने 1 विकेट और सोहेल तनवीर ने 1 विकेट लिया। और जो 2 विकेटें गिरी थी वो रन आउट के रूप में गिरी थी। आज पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर खेला जाने वाला है। पहला जो मुकाबला होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जुल्मी के बीच होगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। उसके साथ जो दूसरा मैच होगा वो होगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का, वो भारतीय समय अनुसार रात 11:30 खेला जाएगा। देखना होगा कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ये दोनों इस मैच में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि दोनों टीमें पिछला मैच हार कर आ रही है। और बात करें UEFA यूरो 2020 में आज 3 मैचेस खेले जाने वाले हैं। पहला जो मैच होगा वो होगा यूक्रेन और मेसिडोनिया के बीच, जो दूसरा मैच होगा बेल्जियम और डेनमार्क के बीच, तीसरा और अंतिम मैच होगा वो होगा नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच। तो ये थी कुछ खास खबरें। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल और बने रहिए आप हमारे साथ। शुक्रिया।